सभी पेरेंट्स को डॉक्टर मनीषा की राम राम। आज का मुख्य टॉपिक है कि आप आयरन डेफिशिएंसी को कैसे आइडेंटिफाई करें और कैसे उसका इलाज करें। हमारे पास पेरेंट्स आते हैं कि बच्चा भूख नहीं लगती, चिड़चिड़ा रहता है, खाना खिलाने बैठते हैं तो उठ जाता है, मिट्टी खाता है। तो आपके बच्चे में मुख्य कारण है उसका आयरन की डेफिशिएंसी। 3 महीने के बाद बच्चे की डेवलपमेंट बहुत फास्ट हो जाती है और बच्चा खुद से आयरन नहीं बना पाता, तो उसमें आपको आयरन सप्लीमेंट करने की ज़रूरत है। आप डॉक्टर को दिखाएं और आयरन सिरप स्टार्ट कराएं। दूसरा, बच्चा जब 1 साल का हो जाता है तो पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि बच्चा दूध नहीं पीता, कम पीता है। तो दूध के पीछे ना लगें, दूध में मात्र कैल्शियम ही होता है। कैल्शियम के और सोर्सेज ले लें, जैसे आप दही ले लो, पनीर ले लो, या और भी कई, दही पनीर के साथ मखाने आप रोस्ट कर लीजिए, उसका पाउडर भी बना सकते हैं, डायरेक्ट भी बच्चे को दे सकते हैं। खीर खिला दीजिए, मखाने की खीर खिला दो। साथ में हमें प्रोटीन की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है। आयरन तभी बॉडी में काम करता है जब प्रोटीन की मात्रा अच्छी हो। प्रोटीन के काफ़ी सोर्सेज होते हैं। पहला सोर्स है दालें। दालें बच्चा जनरली नहीं खाता, तो हम सारी दालें मिक्स दाल को रात में भिगो दो, सुबह मिक्सी में पीस के चीला बना लो। स्वीट कॉर्न, मक्का है, राजमा है, रात को भिगो दो, सुबह उबाल लो, 7-8 सीटी लगा दो, उसके बाद उनको पीस के उसका चीला बना दो, पनीर दे दो उसको। साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि बच्चा 2 टाइम थोड़ा प्रोटीन की मात्रा ले। और आयरन के लिए आप अनार के पीछे नहीं लगें, सेब दे सकते हैं उसको, केला दे सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स दे सकते हैं, भीगा हुआ मुनक्का दे सकते हैं। इन चीज़ों से आप आयरन की मात्रा बढ़ा सकते हैं। साथ में लोहे की कढ़ाई का यूज़ करें, एल्युमिनियम की कढ़ाई ना करें। और आप खाने के साथ साथ, जैसे जो स्कूल गोइंग गर्ल्स होती हैं उनमें मेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं, तो उनमें भी आपको ध्यान रखना है कि अगर बच्चा थोड़ा पढ़ाई में कमज़ोर है, बार बार सर में दर्द कर रहा है, हेयर फॉल हो रहे हैं उसके, तो समझिए कि आयरन की कमी हो गई है। तो भी आप उसको डॉक्टर को दिखा के आयरन सप्लीमेंट कराएं। आयरन की दवाई जब लेते हैं तो हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है कि कभी भी खाली पेट नहीं लेना, खाने के 1 घंटे बाद ही लेना है। और आप हमेशा नींबू के साथ लें, नींबू की शिकंजी के साथ ले लें, उससे आयरन बॉडी में डबल मात्रा में काम करता है। तो आप ये चीज़ें प्रयोग कीजिए, आपका बच्चा पूर्ण रूप से स्वस्थ होगा, ऐसी हमारी कोशिश है। थैंक यू।